वारदात है उसका पूरे साउथ एशिया में और ग्लोबल लेवल पे क्या इम्प्लिकेशंस हैं और उसे किस तरह रीड करना चाहिए। 350 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर आपने हमें ये एड्रेस करना है कि क्या ये इशू है। अब बात ये आती है कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये एक नॉर्मल है, कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसे सीरियस कंसर्न थे जो फेडरप की टीम को वहाँ से कोई एविडेंस मिले, किसी किस्म की रिपोर्ट मिली, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये विजिट के अंदर ने पहले जाने से पहले अपने ये क्वेश्चन दे दिया। और ये टाटा बिरला अंबानी जो है ये आगे से तीन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है इंडिया के मोस्ट प्रोमिनेंट, जिसमें आरएसएस है, बजरंग दल है, इनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं। फेटफ अब नवंबर आ गया है, फेटफ आ रहा है, वो जब जहाँ वो जाते हैं वो बेसिकली चीज़ें तो यही देख रहे हैं ना कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इश्यूज कैसे क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप सारी चीज़ें देखें कि उनके मीडिया ने फोकस किया हुआ है हमास इसराइल, हमास इसराइल, इसके अलावा वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। बेसिकली देर आर 40 टेक्निकल कंप्लाइंस इंडिकेटर्स जिसके अंडर ये 300+ क्वेश्चंस आते हैं। हिंदुस्तान जो कल तक वहाँ भगवान बने बैठे थे तो उनके ऊपर भी ये वक्त आ रहा है जिसमें उनका एहतसाब कह लीजिए या उनके नज़रसानी उनके मामलात पर जो है वो होगी। When we are examining all these things, of course it's a good initiative on a 1st November that in this month when these things are happening in our neighborhood, we critically examine and see how the things are happening.